बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम एक्सचेंज रेट रिजीम को डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से और हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को भी डिस्कस कर लिया और हमने ब्रिटेन वुड सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इन दोनों के देख लिए अब हम इस लेक्चर में दो और एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे एक है मॉनिटरी यूनियन और एक है मैनेज फ्लोट मॉनिट्री यूनियन क्या होता है इसे करेंसी यूनियन भी कहते हैं या मॉनिट्री यूनियन भी कहते हैं ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का वेरिएंट है यह है क्या यह है कि कुछ कंट्रीज अपनी कॉमन करेंसी बना दे यानी कि कंट्रीज की जब कॉमन करेंसी होगी तो बेसिकली उन कंट्रीज की अपनी करेंसीज का एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बन जाएगा यानी कि इस कंट्री का हर एक के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है बल्कि जो कंट्रीज उस मॉनिटरी यूनियन का पार्ट होंगे उनकी आपस में करेंसीज की पैरिटी मेंटेन होगी और ऐसा क्यों किया जाता है ट्रेड के बेनिफिट्स के लिए जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस uh, करेंगे तो ऐसी एग्जांपल्स दुनिया में मिलती हैं पुरानी एग्जाम्पल अगर देखी जाए जो जरा हिस्ट्री में पुरानी है सेवनटीन की तो उसमें जो थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज थी उन्होंने अपनी इंडिविजुअल करेंसी खत्म करके यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूएस डॉलर है इसको एडॉप्ट कर लिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स बनाया और उनकी करेंसी जो थी वो यूएस डॉलर बन गई और इसकी रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो 1999 की है जब यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन बना जिसके तहत इनिशियली 11 यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक मॉनेटरी यूनियन बनाई यानी कि उनकी एक कॉमन करेंसी बन गई उन्होंने अपनी इंडिविजुअल करेंसीज छोड़ दी जो कि यूरो कहलाती है तो बेसिकली जो इलेवन कंट्रीज इस यूनियन के मेंबर होंगे बेसिकली उनकी करेंसी के अंदर एक पैरिटी मेंटेन हो गई है और उनकी एक कॉमन करेंसी बन गई है इस सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेज मेन ये है कि ट्रेड में बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि ट्रेड के लिए एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो मैंने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया कि एक्सचेंज रेट की अनसर्टेनिटी जो है ये प्रॉब्लम करती है ट्रेड के अंदर लेकिन जब एक्सचेंज रेट के लिए उसका प्रॉब्लम होता है ट्रेड के अंदर लेकिन जब हम कह रहे हैं मॉनिटरी यूनियन के अंदर सारों की कॉमन करेंसी हो गई है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया हर कंट्री में एक ही करेंसी है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होगी वो हर कंट्री में एक ही करेंसी के अंदर आएगी तो प्रॉब्लम खत्म हो गया ट्रेड का तो इससे ट्रेड प्रोमोट होती है तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव भी यह मॉनेटरी यूनियन का डिसएडवांटेज क्या है कि कंट्रीज जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं जो मेंबर है, उनका अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है अब एक कंट्री के अंदर जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और वो कंट्री चाहता है कि उसको एग्रीगेट uh, डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करे मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करके या उसके कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है और वो चाहता है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए एक्सपेंड करे पॉलिसी लूज करके तो ये तो उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा क्योंकि करेंसी अब उसकी नहीं है जो वो प्रिंट करे करेंसी सबकी ज्वाइंट है तो इंडिविजुअल कंट्री अपनी मर्जी से करेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो ये उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जो दूसरा सिस्टम है मैनेज फ्लोट ये एक्सप्लेन मैंने पहले भी एक लेक्चर में कर दिया कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का दरमियान का एक मिड वे है यानी कि इसमें कुछ वो फीचर्स शामिल हैं और कुछ ये फीचर्स शामिल हैं दोनों साइड्स के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अब इसमें होता यह है कि जो करेंसीज हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं उनके एक्सचेंज रेट उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है डे टू डे लेकिन अगर कोई बड़ी फ्लक्चुएशन आ जाती है तो फिर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है और उस फ्लक्चुएशन को दूर कर देता है इसका फायदा क्या होगा इसका फायदा यह है कि एक्सचेंज रेट की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सचेंज रेट में चेंज जरूर आ सकता है लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं आ सकता कि जो हमारे बिजनेस के फोरकास्ट हैं वो सारे ही चेंज हो जाएं। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए और फॉरन ट्रेड uh, के लिए जो है यह एक बेनिफिशियल है कि आपकी एक्सचेंज रेट की अनसर्टेनिटी एटलीस्ट लार्ज फ्लक्चुएशन की हद तक खत्म हो जाए थैंक यू